आतंकवादी जो उस समय के अंग्रेजों के कहे हुए आतंकवादी भगत सिंह जैसे आतंकवादी, उनको संरक्षण दिया, उन लोगों को अपने गोद में पनाह दी कई माओ में। तो अगर हम सिर्फ वहां तक मान लें तो आजादी का असली महत्व हम लोग भूल जाए। तो मोदी जी यही प्रयास करवाना चाह रहे थे कि सारे लोग जाने कि इस आजादी में सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने जो लड़ा हुआ भी सिपाही, जो लड़ाई के लिए खाना पहुंचाया हुआ भी सिपाही, सारे लोगों का योगदान उसमें रहा है। तो अमृत महोत्सव का यह था कि अमृत मंथन हुआ, इस अमृत का स्वाद सारे लोग चखें। और ये अमृत का स्वाद यही है कि असली आजादी को हम समझे, जो असली आजादी अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। और चूंकि हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, म्यूजियम हो या जो भी हो, सब इतिहास से जुड़ा हुआ चीज है, यह जो है पूरी के पूरी तरह से हम लोग निर्भर हैं अंग्रेजों पर, जो उन्होंने कहा उस चीज पर निर्भर है। तीसरे दौर पर आते हैं। तीसरा दौर जो रहा वह 1760 के बाद से आजादी तक का, यह वह दौर था जबकि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अब आप जरा देखिए कि कभी चैन से बैठे हो क्या, कभी भी चैन से बैठे अंग्रेज क्या? कोई ऐसा जगह कि जहां बहुत शांतिपूर्ण उन्होंने शासन किया, कोई ऐसा क्या सब जो मिल रहा है, क्या व्यक्तिगत संस्थाएं है या जो एनजीओ अपना काम कर रही है? तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने बिहार के संग्रहालयों से। आप जानते हैं, इससे लगता है कि बहुत बात सब लोगों को पसंद भी नहीं पड़े कि हमारे यहाँ जो संग्रहालय सरकारी है या गैर सरकारी भी है, वहाँ एड्रेस की बहुत सारी चीज़ें हैं और उसे बच्चों को दिखाकर, जनसाधारण को दिखाकर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही प्रयास नहीं हो रहा है। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं। आप जान को आप लोगों को आश्चर्य होगा, सब लोग खुशी में जानते हैं, एक एक संग्रहालय का एक पदाधिकारी के पास 10 संग्रहालयों के आसान संग्रहालयों का साथ। तो वैसी संग्रहालय से पूछिए तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उसी ढंग का लेबोरेटरी का काम कर सकता है जो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा प्रयोगशाला का। संग्रहालय को देखकर इतिहास के कुछ भ्रम को हम दूर कर सकते हैं, खास करके चूंकि संग्रहालय में हम क्या रखते हैं, जो भी प्राचीन महत्वपूर्ण जो सामग्री है उनको कलेक्ट करते हैं, और मॉडल में भी अगर इतिहास जो म्यूजियम्स रखते हैं जो निश्चित रूप से नायाब चीज हैं, जो अद्भुत चीज हैं, उनको कलेक्ट करते रखते हैं। वैसे अब एक नई परंपरा अभी खास एक और भी जरूरी है, आत्मिक चीज भी जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। हिस्ट्री राइटिंग पर उनका महत्वपूर्ण पल रहा और उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारा ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, जो हम लोग आज भी जानते हैं या कुछ वर्षों तक जानते थे, उसको जेम्स हनी जैसे इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने तीन खंडों में विभाजित किया, हिंदू काल, मोहम्मदन काल और ब्रिटिश काल। ये जेम्स हनी का विभाजन, बाद में उसको प्राचीन काल या मध्य काल या फिर आधुनिक काल में विभाजित किया। आजकल हम लोग इसमें और एक और डिविजन करते हैं, प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, मध्यकाल और आधुनिक। ये हमारा हिस्ट्री का परंपरागत डिविजन अभी तक चला आता है, जिसको हम सभी लोग, आप छात्र भी, प्रोफेसर भी या जो भी शिक्षक हैं पढ़ाते हैं, वो सभी इसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यह जो डिविजन किया गया वो कुछ तथ्यों के आधार पर किया गया,